ठीक है ये, तो हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस कौन सा से आया है आपका गांव वाला लोग को बताने के लिए कि ईवीएम कैसा काम करता है ना। अभी मुक्ते से तो बता दिया, अभी हिंदी से जो नया जनरेशन का है या वो लोग को समझाने के लिए। तो जब वोट देने जाएगा ये मशीन दोनों जो है जनरली क्या होता है कि हर समय बाहर नहीं निकालता है, 5 साल में एक बार जब वोटिंग का दिन में ही निकलता है। तो बहुत सारा आदमी जो है गांव वाला बूढ़ा बूढ़ी लोग या जो फर्स्ट टाइम वोट देने वाला है 18 ईयर्स से जो कंप्लीट हुआ है, वो लोग को मालूम नहीं होता है कि वोट मशीन जो कैसा होता है। सिर्फ सुनने में आता है कि वोट देने वाला जो मशीन है ऐसा होता है, जाके दबाना है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा काम करता है, कैसा होता है, उसका फंक्शनिंग मालूम नहीं होता है। तो ये कन्फ्यूज दूर करने के लिए हम लोग जो है आया है आप लोग को समझाने के लिए। तो ये मशीन बोलता है कंट्रोल यूनिट, इसको ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर लोग के पास में। ये दोनों आपका जो वोटिंग का जो बूथ है वहाँ पे ये दोनों एक साथ होगा। तो हम लोग जब वोट देने जाएगा एज एन इलेक्टर तो ये दोनों मशीन जो साथ में हो। तो सबसे पहले बूथ में घुसने के साथ साथ ये ध्यान देना है कि ये मशीन का, इसको बोलता है बैलेट यूनिट, इसको बोलता है वीवीपैट मशीन। तो ये बैलेट यूनिट का जो पहला यहाँ पे देखना है कि ये ग्रीन है कि नहीं, रेडी जहाँ लिखा है। ये ग्रीन नहीं है इसका मतलब ये मशीन अभी तक तैयार हुआ नहीं, अगर आप दबा भी लेगा वो काउंट नहीं होगा। तो जो वोट देने जाता है ये ध्यान देना है कि ये मशीन काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बैटरी का माल फंक्शन भी हो सकता है, बैटरी डाउन हो के अगर नहीं चल रहा है तो आप तो जाएगा वोट देगा, आपको लगेगा कि वोट रजिस्टर हो गया लेकिन वो होगा नहीं। सबसे पहले ये देखना है कि ये ग्रीन, फॉर एग्जांपल अभी अगर हम दबा दें अभी रेडी हो गया ये मशीन। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का जो है जो पार्टी का है वो लिस्ट और उसका चिन्ह जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो। तो वोट देते समय में जो इलेक्टर है वो देखना है कि कौन सा कैंडिडेट को वोट देना है। तो यहाँ में देख के उसका एग्जैक्टली राइट साइड पे ये ब्लू ब्लू वाला जो बटन है इस पे दबाना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी 7, तो यहाँ पे 7 पे दबाएं, दबाने के साथ साथ यहाँ पे लाल बटन जलेगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है, एक बार तक आवाज आने तक एक बार दबा दिया हो जाएगा, वो मशीन ले लेगा। इसके बाद में यहाँ में लाल जलेगा, जलने के साथ साथ फिर ये वाला मशीन को देखना है, ठीक है। ये मशीन वीवीपैट में देखना है, तो जिसको दबाया है वो यहाँ पे एक पेपर स्लिप गिरेगा, वो ये 7 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर हम नोटा में दबाएगा तो ये पेपर यहाँ गिरेगा, 7 सेकेंड्स के बाद में वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। ये गिरने के बाद में मशीन जो है एक आवाज आएगा, तब जाके वोट जो है कंप्लीट होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम दिखाएगा ये मशीन रेडी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ट्रिपल ए ये पार्टी है, अल्फा सिंबल है, इस पर अगर हम दबाते हैं ये लाल चलेगा, देखिए लाल हो गया। इसके बाद में यहाँ में आप जूम करके देख लीजिए यहाँ पे निकला होगा, यहाँ पे 7 सेकेंड्स के लिए ये डिस्प्ले होगा। इसके बाद पे यहाँ पे एक बीप वाला साउंड आएगा, तब जाके वोटिंग आपका मशीन पे रिकॉर्ड हुआ। अगर ये इसके वोट देने के समय में अगर इन केस आपने यहाँ एक पार्टी को दिया है, ट्रिपल ए को दिया है फॉर एग्जांपल अल्फा, या उस समय में जो भी पार्टी हो सकता है आपने आपका मनपसंद पार्टी जो कैंडिडेट है उसको दिया है, यहाँ दूसरा नाम निकलता है, तो आप जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कंप्लेन कर सकता है उस समय में, तुरंत करना है। इसके बाद जब मशीन में मिस्टेक करने का चीज़ नहीं है, इसीलिए हम लोग आप लोग का अवेयरनेस के लिए आया है। जब वोट देने जाएगा आप जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर आप जैसे कि पहला वाला को देना था लेकिन आपने बी को दे दिया, इसका मतलब आप जाके बोलेगा कि नहीं हम तो गलती से दे दिया, पहला वाला को गलती से दे दिया, नीचे वाला को दोबारा देने दीजिए, बोलने से वो होगा नहीं। इसीलिए समय लेकर आराम से देना है। इसके बाद में कोई गलती से अगर 2 बटन भी दब जाएगा तो जो पहला वाला बटन दबा है वही वोट में काउंट होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम दोनों को दबाने के लिए किया, लेकिन ये अगर हम बी को पहले दबाए तो बी को ही होगा, यानी कि यही बता रहा है कि मिस्टेक नहीं करना है, जिसको पहला वोट एक बार दिया वही काउंट होगा। आप इस पर मिस्टेक करने का चीज़ नहीं है, आराम से शांति से वोट देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये पेपर भी 7 सेकेंड्स के लिए निकलेगा, यहाँ पे एक साउंड आएगा, उसके बाद ही आप अपना बूथ से निकलिए। ये मन से मन में शांति हो गया कि हमारा वोट जो रिकॉर्ड हो गया। और एक बात है, यहाँ जो है लास्ट वाला बटन जो है इसको बोलता है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो ये अगर 5 कैंडिडेट उठ रहा है तो उसमें 6 बटन होगा, जो लास्ट वाला बटन होगा वो होगा नोटा। ये नोटा का मतलब होता है कि नन ऑफ द अबव, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जितना भी कैंडिडेट उठ रहा है उससे आप जो संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है, लेकिन आप जो मतलब सबको ये करता है कि हम किसी को देना नहीं चाहता है, रिजेक्ट करता है या जो भी कारण है,
तब आप जाके नोटा को दबा सकते हो। नोटा को देने का मतलब ये है कि जितना भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा है, आप उसमें से किसी से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आप जो नोटा नन ऑफ द अबव आप प्रेस कर रहे हैं। उसमें भी सीधा यहाँ पे जैसा कि फॉर एग्जांपल नोटा दबाएगा तो यहाँ भी नोटा ही डिस्प्ले होगा और ये वोट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट को नहीं जाएगा, लेकिन आपका वोट जरूर काउंट होगा। इतना ही। तो ये लास्ट वाला बटन को है ये गांव वाला लोग जो है, ये एल्डर्स लोग है, वो लोग को कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोग का थ्रू से भी उनको ये मैसेज जाने से ठीक है। हाँ, उसको देने से हो जाएगा बाद में, अभी वाला को ग्रुप में वो ना सर वही तो इसके लिए तो ठीक है हो जाएगा तब तो ना बहुत काफी है।